रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल प्लास्टिक रोप। मुंबई में धर्मा नाम का एक कंपनी चला रहा था जो प्लास्टिक की बॉटल्स बनाती थी। एक दिन उनके पास काम कर रहा वरुण से धर्मा, क्या वरुण, मुझसे मिलाने के लिए अपने मैनेजर से काफी समय से कह रहे थे, क्या बात है? यूं कहा वरुण, सर हम बाहर से बहुत सारा प्लास्टिक खरीदते हैं ना, इसी तरह हम बाहर से आने वाली प्लास्टिक की बॉटल्स को भी इकट्ठा करते हैं और गांव के बाहर जला देते हैं। इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है सर, इसलिए हम रिसाइकल प्लास्टिक से अलग अलग चीजें बना सकते हैं ना सर? यूं कहा धर्मा। देखो वरुण, अगर रिसाइकल प्लास्टिक को साफ करना चाहते हैं और बॉटल को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारा मैन पावर की जरूरत पड़ती है, ये बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम उन पैसों का आधा भी लगा दे तो असली प्लास्टिक आ जाता है और क्या पर्यावरण, ये सब बेकार की बातें हैं। मैं एक व्यापारी हूँ, मैं सिर्फ व्यापार करता हूँ, कहकर वो चले गया। उस रात वरुण अपनी बहन श्राविया को धर्मा के साथ हुई सारी बात बताया। श्राविया ने सुनकर, अरे भाई आपके बॉस ऐसे बात करने में भी हमारा ही भला है, दूसरी बात वो जो प्रोजेक्ट बोल रहे हैं ना वो हम ही शुरू करते हैं, क्या करना है आप ही आइडिया बताओ। यूं बोली वरुण, तुम क्या कह रहे हो, उससे मुकाबला करके हम फैक्ट्री शुरू करें, उतने पैसे कहां से आएंगे? यूं कहा श्राविया, एक ही बार में ऐसे बड़ा फैक्ट्री नहीं शुरू करेंगे, अपने दोस्तों के सहयोग से कुछ लोग वॉलंटियर के साथ छोटी शुरुआत करते हैं, उसके बाद लोगों को हमारा क्वालिटी पसंद आया तो प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। यूं बोली। उसके बाद श्राविया वरुण ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। उनसे वरुण, दोस्तों हम ये प्लास्टिक के बोतल को आसानी से बना सकते हैं, सरकार कुछ दिनों बाद इसके लिए लोन भी देगी, इससे पहले तो पैकिंग रोप या कबोर्ड बॉक्स को फिक्स करने वाले प्लास्टिक थ्रेड बना सकते हैं, उसके बाद अगर हमारा मार्केट थोड़ा बड़ा हुआ तो पौधे रखने के लिए आप प्लास्टिक का टब भी बना सकते हैं। यूं कहा वो सुनकर सबने ताली बजाई। इससे एक अच्छी जगह देखकर रिसाइकल प्लास्टिक बॉटल थ्रेड लाइन तैयार करना शुरू किए। उन्हें श्राविया वरुण उनके दोस्त शॉप में बनाने लगे। फिर वरुण के काम को देखकर सरकार भी उन्हें बुलाकर उनके दोस्तों को भी सबके सामने सम्मान दिए। कुछ दिन ऐसे ही वरुण का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता गया। इसी के साथ वरुण की दुकान पर आने वाले लोग, दुकान वाले उनके प्लास्टिक रोप को दूसरे प्रदेशों में भी एक्सपोर्ट करने लगे। कुछ कॉलेजेस के छात्र भी वहां आए और प्लास्टिक रोप को बनाना करीब से सीखा। एक दिन वरुण की दुकान पर कुछ राउडी के साथ आकर धर्मा, है वरुण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे मना करने पर भी ये करके सरकार से प्रशंसा प्राप्त करोगे, इसके अलावा सीधे प्लास्टिक खरीदने की सोच रहे हो सुना है, देखो अगर चार दिन खुशी से जीना है तो इसे तुरंत बंद करो अन्यथा ठीक नहीं होगा। यूं कहा। वो बातें सुनकर सभी गांव वाले वहां आए। वरुण, देखो साहब इस देश में सबको व्यापार करने का अधिकार है, लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं ऊपर तरक्की करते ही रहूँगा, दूसरों का हक नहीं है, यूँ कहकर हमें चुप कराने के लिए हम कोई मूर्ख नहीं है, वैसे भी आपका कारोबार अलग है हमारा कारोबार अलग है, वैसे आपको क्या समस्या है? यूं कहा धर्मा। अरे अगर तुम जैसे बच्चों को अगर शुरुआत में नहीं काटा तो चार दिन बाद मेरा मुकाबला करने आओगे, वैसे भी कल तक तनख्वाह लेने वाला आज पैसे मिले तो मुँह अच्छा चला रहे हो, मैं क्या हूँ तुम्हें दिखाता हूँ रे, कहकर अपने लोगों के साथ धर्मा, अब उसके दुकान और उस रिसाइकल प्लास्टिक सबको नष्ट कर दो। यूं कहा तो इस बीच में वहाँ मौजूद एक आदमी, क्यों धर्मा जी तुम सबको यहाँ देखकर हमारे गांव वालों को हमारे सामने ही धमका रहे हो, दुकान नष्ट करने के लिए बोल रहे हो, क्या तुम भूल गए तुम्हारी फैक्ट्री भी हमारे गांव में ही है, यहां आप एक रस्सी का बंडल छूकर तो दिखाओ, हम तुम्हारी फैक्ट्री टुकड़े टुकड़े करके नष्ट नहीं किए तो हम अपना नाम बदल लेंगे। यूं कहा। ये सुनकर धर्मा से उसके बगल में मौजूद मैनेजर, सर उसे लोकल सपोर्ट ज्यादा हो गया है सर, चुपचाप चले जाना बेहतर है अन्यथा हमारे साथ ये लोग ठीक नहीं करेंगे। यूं कहा। इससे कुछ नहीं कर सका तो धर्मा अपने आदमियों के साथ वहाँ से चले गया। तब से वरुण प्लास्टिक रिसाइकल की दुकान पर धर्मा कभी नहीं आ गया।